हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछले कुछ दिनों में यार बहुत कुछ घट गया है इंटरनेट की दुनिया में। मेनली मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ टिकटॉक वाले मैटर पर। तो लोगों ने टिकटॉक के स्टार्स को 5 से गिरा के, 4 से गिरा के, 3 से गिरा के, 2 से गिरा के, 1 तक पहुंचा दिया। वाह वाह मोदी जी वाह। और कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस टॉपिक को कवर भी किया है और टिकटॉक पे बहुत सारी वीडियोज भी बनाई है। इन सभी चीजों के बीच कुछ ऐसे ऐप्स हैं टिकटॉक के बच्चे जो पहले जैसे कमा रहे थे वैसे ही अब कमा रहे हैं। मतलब उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। मैं बात कर रहा हूं लाइकी की, वीगो वीडियो की और ना जाने क्या क्या। तो मैं बताता हूं यार, टिकटॉक जब शुरू में आया था तो एक अपनी तरीके का यूनिक कॉन्सेप्ट था टिकटॉक। और एक चीज मेंशन करना चाहूंगा यार, टिकटॉक जिसने बनाया है उसकी कोई गलती नहीं भाई। उसने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है, लोग उस पर कितना क्रिंज बनाएंगे ये तो लोगों पे अल्टीमेटली डिपेंड करता है ना। लेकिन ये भी है एक, ये 100 में से 90% ही क्रिंज मिल रहा हो तो फिर तो भाई कुछ दिक्कत है उसमें। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो बात हो रही थी टिकटॉक जब नया नया आया था तो उस टाइम जब भी कोई चीज वायरल होनी शुरू होती है, कुछ चीज ट्रेंड करनी शुरू करती है इंटरनेट पे, तो उसकी कॉपीज बनने लगती हैं। तो टिकटॉक का कंसेप्ट चुराया था इन कुछ ऐप्स ने जो कि थे वीगो वीडियो, लाइकी, शेयर चैट, बाकी मुझे पता नहीं ज्यादा। तो भाई टिकटॉक की तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है और रेटिंग वगैरह गिर रही है, मतलब टिकटॉक के तो। लेकिन इन सभी कंट्रोवर्सीज के बीच कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो बच गए हैं और भाई इन पे भी इक्वल क्रिंज है। और मैं ये कहना चाहूंगा टिकटॉक को सिंपैथी नहीं दे रहा मैं, लेकिन यार टिकटॉक को लपेटा है तो भाई इनको भी लपेटना पड़ेगा। तो आज हम कुछ क्रिंजी वीडियोस देखेंगे लाइकी और वीगो वीडियो के ऐप के ऊपर। और एक चीज और रिवील करना चाहूंगा मैं, टिकटॉक से ज्यादा क्रिंज है लाइकी पे या वीगो वीडियो, क्या था इनमें से दोनों की वीडियो मैंने कवर करी है इसमें। तो भाई इनको भी थोड़ा प्यार दिखाओ यार, टिकटॉक पापा है और इनकी नाजायज औलाद है वीगो वीडियो और लाइकी, तो आज इनको भी लपेटते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। कई बार मुझे लगता है यार लोग ऐसी हरकतें कैसे कर लेते हैं, लेकिन फिर दिमाग में आता है यार कि कॉमेडी बनाने के लिए, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए लोग ऐसा कर लेते हैं। लेकिन यार यहाँ पे 1% भी हंसी नहीं आ रही मेरे को, अगर तुमको हंसी आई है। अरे शर्म करो। ये क्या था भाई, मतलब जिन्होंने भी ये वीडियो बनाई है वो क्या सोच रहे हैं कि क्या फील आनी चाहिए ये वीडियो देखने वाले लोगों को? लोगों को हंसी आनी चाहिए, लोगों को रोना आना चाहिए, लोगों को दर्द होना चाहिए? मतलब यार कोमा वाला रिएक्शन आ रहा है भाई, जीरो इमोशंस हो गए भाई इसको देखने के बाद भाई। और जिसको भी इस पे हंसी आ रही है ना भाई, पर फिर से याद दिला दूं, शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। एक यूट्यूबर ने किसी को क्रिटिसाइज कर दिया तो उसकी वीडियो डिलीट कर दी जाती है। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है ना लोगों को, छोटे छोटे बच्चे देखेंगे इसको सीखेंगे क्या, मार कुटाई। और हाँ भाई वीगो वीडियो वालों, ये तुम्हारे गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं है क्या? ये कॉमेडी तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, वायलेंस दिखा रहे हो तुम अपनी वीडियो में, ये तुम्हारी गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं, गाइडलाइंस चेक करो एक बार अपनी। अरे सॉरी, वो टिकटॉक की गाइडलाइंस कॉपी करना भूल गया था। मार कुटाई धक्का मुक्की तो भाई मजाक में कर लेते हैं लोग। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा टिकटॉक आप छोड़ दो भाई, सारे आ जाओ वीगो वीडियो के ऊपर, क्योंकि टिकटॉक पे आपको सिर्फ क्रिंज मिलेगा लेकिन वीगो वीडियो पे क्रिंज प्लस थ्रिल और एक्शन भी मिलेगा। इस भाई ने सस्ता रेडबुल पी लिया था भाई एक बार खरीद के, और असली रेडबुल क्या करता है, इट गिव्स यू विंग्स। लेकिन सस्ता रेडबुल क्या करता है, आपके अंदर ही बुल क्रिएट कर देगा, आपको ही बुल बना देगा भाई। भाई वीडियो में वायलेंस तक तो ठीक था, ये काम भी शुरू कर दिए। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा भाई इस पे। इस वीडियो में क्या हो रहा है, कोरोना वायरस धरती पे अटैक कर रहा है, धरती उससे बच के भाग रही है, लेकिन तुम पूरे ग्रह को धरती पे रहते हुए कैसे देख सकते हो भाई?
और धरती पे रह के नहीं देख रहे तो कौन सा ग्रह भाई ये? टिकटॉकर्स ने अपना एक अलग ग्रह भी बना लिया क्या? नहीं, ये कुछ भी कर रहे हैं भाई, बिना लॉजिक की बातें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम की चीज होती थी फिजिक्स में। सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था कि लॉजिक नाम का शब्द तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं है। कहां से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? तुझे पता था तेरा शादी है, तुझे घोड़ा पे बिठाया है। कितनी फनी क्लिप थी, वाह। नहीं सीरियसली, मुझे हंसी आ रही है लेकिन निकल नहीं रही, उसको समझ नहीं रहा कहां से निकलूं मैं। ये क्या है भाई, इतना खतरनाक वॉयलेंस दिखा रहे हो तुम यार। पहले लेडी को मार रहे हो, फिर बच्चे को मार रहे हो। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा भाई, अगर गलती टिकटॉक की भी है ना, तो इक्वली गलती टिकटॉक है, वीगो वीडियो, लाइकी, शेयर चैट, जीली और पता नहीं यार क्या क्या, कौन कौन से ऐप है, सारे ऐप इंस्टॉल करने बैठता तो भाई मैं मेरा मानसिक संतुलन खो बैठता सीरियसली। और ये कहना चाहूंगा भाई, चाहे तुम करण हो या अर्जुन, बीज तो तुम एक के ही हो ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और टिकटॉक का यार और आइडिया ओरिजिनल था उसका, एटलीस्ट तुम आइडिया कॉपी करके क्रिंज डाल रहे हो उसके ऊपर। तो भाई जब टिकटॉक को लपेटा तो इनको भी लपेटो भाई, वरना उसको भी मत लपेटो, वैसे उसको लपेटो। तो आज की वीडियो, आज का प्रोग्राम यही खत्म हुआ गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ही करो, लाइक मत करो, लाइक ही करो। और हाँ, अच्छी लग गई और किसी को दिखाना चाहते हो तो शेयर चैट शेयर करो। हाँ, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, तभी तो वीडियो देख रहे हो, नहीं करा तो कर लेना। और कमेंट में लिख के बताओ कैसी लगी भाई वीडियो, अपने अपने विचार प्रकट करो। और अगली वीडियो का सजेशन दे सको तो और भी अच्छा होगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय। Put the team on my back, I do it all for the family, everyone think they can rap, nobody ever gon' challenge me, starting my week on a Sunday, they think they can make it a one day, I just been ready to take off, waiting my turn on the runway, never be turning around, never be turning around, ayy.